सुधा और उसके परिवार के पास एक नया पड़ोसी रहने आया है, सुनीता आंटी। उन्होंने पास के सरकारी कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में नौकरी ज्वाइन करी है, तो सुधा उन पर अपनी कैसी छाप छोड़ेगी, आइए इस एपिसोड में जानें। स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान, आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर। जी हाँ, रेडियो कनेक्ट जो जनता से जुड़े डायरेक्ट, वही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए सुनीता जी, आपका पहला दिन काम पर कैसा रहा? दिन बहुत अच्छा रहा। आज तो बस मुझे अपनी जॉइनिंग की औपचारिकताएं ही पूरी करनी थी, पर ये गर्मी भी ना, क्या आप मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिला सकती हैं? ठंडा पानी? एक्चुअली हम फ्रिज में ना पानी रखते नहीं हैं। माँ, क्या मैं फ्रीजर में रखे बर्फ के ट्रे से बर्फ के टुकड़े एक गिलास पानी में डालकर दे दूँ? जरूर सुधा, उससे पानी ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आपकी बेटी तो बहुत स्मार्ट है। सुधा हमारी छठी कक्षा में पढ़ती है, इसको हमेशा कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है और लगातार इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और उन सवालों के जवाब ये ढूंढती रहती है अपने आसपास। सुधा, सुनीता आंटी हमारी नई पड़ोसन है, इन्होंने हमारे पास के सरकारी कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। तो मुझे बताओ सुधा, जब तुम बर्फ को फ्रीजर से बाहर निकालती हो तो उसमें क्या होता है? आंटी, हम जब फ्रीजर से बर्फ निकालते हैं तो बर्फ अधिक तापमान के संपर्क में आती है और वह धीरे धीरे पिघलने लगती है। जब ऐसा होता है तो बर्फ पानी बन जाती है। अरे वाह सुधा, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई तुम्हारा जवाब जानकर, शाबाश। थैंक यू आंटी। एक्चुअली पिछले सप्ताह हमारे स्कूल में ही मेरी साइंस टीचर ने हमें ये सिखाया था। बहुत बढ़िया सुधा। अच्छा तो अब ये बताओ, क्या हम पानी को दोबारा बर्फ में बदल सकते हैं? बिल्कुल, जब हम इसे वापस फ्रीजर में रखते हैं तो ये फिर से बर्फ बन जाती है। बहुत बढ़िया, इन्हें उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जाता है ना, जो आपके साइंस टीचर ने आपको बताया होगा कि ये रिवर्सिबल चेंज होते हैं, क्योंकि ये वापस अपनी मूल अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं। हाँ जी। और कुछ मामलों में हम उन्हें वापस अपनी मूल स्थिति में नहीं बदल सकते, इन्हें कहते हैं अपरिवर्तनीय चेंजेस यानी इररिवर्सिबल चेंजेस। क्या तुम कुछ और उदाहरण सोच सकती हो? हाँ, जैसे कागज का जलना। जब हम कागज को जलाते हैं तो वो राख बन जाता है, लेकिन हम उस राख को दोबारा कागज में नहीं बदल सकते, इसे इररिवर्सिबल चेंज कहते हैं यानी अपरिवर्तनीय। बहुत अच्छा सुधा। ऐसे ही अगर हम देखें, फल का पकना भी एक उदाहरण है, खाना पकाना भी एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि जब हम कई सामग्री इकट्ठे लाकर जोड़ते हैं, तापमान बढ़ाते या घटाते हैं और व्यंजन तैयार करते हैं, लेकिन जब वो तैयार हो जाता है तो हम बाद में उन्हें उनकी मूल स्थिति में वापस नहीं ला सकते। बहुत बढ़िया, मैं पूरा दिन बस बैठकर आपकी बातें सुनती रहूं, ऐसा मन कर रहा है मेरा। मुझे भी ऐसा करना अच्छा लगता, लेकिन अभी के लिए मैं अपने नए घर में जाकर ये देखती हूँ कि उसे व्यवस्थित करने के लिए मैं कौन कौन से परिवर्ती और अपरिवर्तनीय परिवर्तन कर सकती हूँ। जरूर। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट,
यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट, तो सुनना न भूलें। हमारे आसपास कई वस्तुएं हैं जो प्रतिवर्ती परिवर्तनों और अपरिवर्तनीय परिवर्तनों से गुजरती हैं, यानी रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। क्या आप हमें बताएंगे कि पानी में नमक का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? आप अपना जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 9813164542 पर भेज सकते हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।